कोयम्बटूर सुलूर से निकले थे, अरे सुलूर से निकले थे, सुलूर से निकले थे। सुलूर से निकले थे, उसके बाद है टाउन हॉल बस स्टैंड जो कि कोयम्बटूर गांधीपुरम के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम लोग गए हैं उकड़म, उकड़म से हमें फिर एक बस मिली है पोलाची के लिए। अब पोलाची में यहाँ काफी जगह मुंह मारने के बाद पता चला है कि मतलब जगह जगह पूछना। हाँ तो अब कंफर्म हो गया कि वालपराई जा रहे हैं। हम वालपराई जाते वक्त बीच रास्ते में ही पड़ेगा वालपराई, मंकी फॉल जो भी मिलेगी हम उसमें चढ़ बैठेंगे और सीधा मंकी फॉल। नहीं नहीं, मंकी फॉल पहुंच वालपराई जाते वक्त रास्ते में मिलेगा वो मंकी फॉल, और मंकी फॉल के भी पहले मिलेगा वो डैम जहाँ से पानी निकलता मंकी फॉल पे जाकर शो होता है। तो हम लोग वहाँ पे जाकर विजिट करेंगे। सी यू एट मंकी फॉल। ठीक है। हाँ तो तमिलनाडु में जो बस सेवाएं हैं काफ़ी अच्छी हैं, क्योंकि इस वहाँ पर बस सेवाएं हमेशा अवेलेबल रहती है। उसके साथ साथ यहाँ का गवर्नमेंट हर 5 साल पे बस को चेंज करता रहता है। तो हम लोग को तो सीट मिल गया, अच्छे से बैठ गए। बाकी कुछ लोग खड़े भी हैं, खड़े होकर जा रहे हैं। तो कोई नहीं, चलते हैं सफ़र में, आगे बढ़ते हैं। रास्ते में ये एक खूबसूरत सा लेक दिखाई दिया था, जिसमें कि बहुत दूर पहाड़ दिखाई दे रहे थे और पास में नदी। यहाँ पर शाम में बैठने का दृश्य काफ़ी सुंदर था। और उसके बाद ये है कुछ साउथ के टेंपल, जिसका क्या आर्किटेक्चर हमको बहुत पसंद है। जगह नहीं मिला, हम लोग बैठे हैं इस बस के टायर पर, बाद में लगाए और उसके साथ साथ हम लोग का मिस हो गया जो ब्लूटूथ कनेक्टर, गिर गया, जिसके थ्रू हम लोग इसको पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। वेरी बैड। तो अब हम लोग पहुंच गए फाइनली अन्नामलाई टाइगर रिजर्व केंद्र। आप यहां पर देख सकते हैं इसका ये बोर्ड है, और फिर यहां से हम इंटर करेंगे। उसके पहले थोड़े से बाहर हम ठहर लेते हैं, फिर चलते हैं अंदर की तरफ। आप यहाँ पर बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं क्या क्या चीज़ें हैं और इसका कितना टिकट है। अन्नामलाई पहाड़ियों के अंदर जो जो प्रोग्राम से, ये एक टावर है जिस टावर पर चढ़कर हम लोग पूरे दृश्य को देखेंगे, जहाँ से बहुत खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। और उसी के बगल में ये एक छोटा सा पार्क बनाया गया था, जिस पार्क के थ्रू आप इस पहाड़ी और नदी के सारे दृश्य को देख सकते हैं। और इस पार्क के अंदर जाने का भी कुछ टिकट था। तो अन्नामलाई पहाड़ी के अंदर जो ये टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर जाने के लिए एक टिकट भी लगता है, उसके साथ साथ आपके पास एक 4-व्हीलर या 2-व्हीलर होना चाहिए। तो हम लोग आए थे बस के थ्रू, तो बस के थ्रू ही आगे बढ़ेंगे। फिलहाल में कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड करते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ का दृश्य। आने के बाद पता चला कि अंदर जाने के लिए साधन अवेलेबल नहीं है, हमको खुद से अपना व्हीकल या फिर अपना 4-व्हीलर लेकर आना पड़ेगा, तभी इसको विजिट कर सकते हैं। फिर भी ऑप्शंस है, अभी ऑप्शंस के तौर पर हम लोग बस करेंगे और उससे जाएंगे। बस नहीं मिला तो पैसा तो इतना है कि ओला कर सके और ओला करके जाएंगे। चलिए अभी पहले हम जाते हैं सबसे ऊपर और वहां से व्यू आपको दिखाते हैं कितना बेहतरीन देखने में लगता है, बहुत बड़े बड़े पहाड़। Nice view, sir. Nice view.
अरे भाई चलना मुश्किल हो रहा है। आ रहा है, आ रहा है, कभी कहा कभी कहा रहा है भाई। ओहो हाइट बहुत हाइट है। अब फाइनली पहुंच गया हूँ अपने जगह पर। अब आपको दिखाता हूँ अपने फ्रंट साइड का नजारा, जरा देखिए और इसे एंजॉय कीजिए। बेहतरीन प्लेस, फर्स्ट प्लेस माय लाइफ। मैंने ऐसा कभी नहीं किया है जगह। बस आ रही है, फटाक से बस पकड़ते हैं और चलते हैं फिर हम लोग। और अब चलते हैं हम लोग पुलाची, जहाँ पर चाय का बगान है, उसके साथ साथ बड़े बड़े पहाड़ियाँ हैं और वहाँ पर एक सुंदर सा नदी है, उसको देखेंगे और ये सब आपको दिखाएंगे अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल पर बने रहे, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।